रतलाम में अब बीमार और दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल हुई गायों को तुरंत इलाज के लिए लाने के लिए एम्बुलेंस दौड़ेगी। गौ रक्षा समिति ने 2 बत्ती चौराहा से इसका शुभारंभ कर दिया है। दरअसल यह पहली बार ऐसी सुविधा है जिसमें गौ रक्षा समिति अब एम्बुलेंस से बीमार व घायल गायों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाएगी। इससे पहले गौ रक्षा समिति हाथ ठेला या लोडिंग वाहन के माध्यम से सेवा कार्य करते आ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले गुजरात के वलसाड़ से नीमच लाई साध्वी सरस्वती ने रतलाम गौशाला समिति को यह एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। साध्वी सरस्वती जी के द्वारा रतलाम कुकड़ेश्वर नीमच कुकड़ेश्वर में कथा के आयोजन के दौरान वो भक्तों रतलाम की तकलीफ को देखते हुए कि हम जब जाते थे हमें बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, इस तकलीफ को देखते हुए दीदी ने एक दिन उनके मन में जमा तो उन्होंने एम्बुलेंस की चाबी कुकड़ेश्वर में कथा के दौरान हमें दिए। यह एम्बुलेंस रतलाम के सभी गौ भक्तों और गौ सेवकों के बीच में रहेगी। जहाँ हमें सूचना आती है कि यहाँ गौवंश बीमार है ये है, तो हम उसे तत्काल उपचार के लिए एम्बुलेंस रवाना करेंगे और सभी के सहयोग से हम ये काम करेंगे।